हेलो गाइस, मैं हूं डॉक्टर वंदना उमराव। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं फिर से अनबॉक्सिंग वीडियो लेकर आई हूं। मैंने इसीलिए कोई वीडियो नहीं डाला था, इसका वेट कर रही थी मैं। आज ही आया है, आज मैं अनबॉक्स करने वाली हूं। ये मैंने PSJK के नर्सरी बोंग चर्च रोड कालिमपोंग से मंगाया है। इसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगी, डिटेल डाल दूँगी। आज चलिए आपके साथ इसे अनबॉक्स करती हूँ। बाहर से तो पूरा अच्छे से पैक है, होल भी कर रखे हैं इन्होंने प्लांट्स के लिए। मैंने सकुलेंट मंगाए हैं, और मैंने गर्मियों में सकुलेंट मंगाती हूँ तो वो ख़राब हो जाते हैं अगर लेट हो जाता है, इसलिए मैंने इस बार सर्दियों में ट्राई किया है। और सर्दियों में आप भी अगर सकुलेंट मंगाते हैं तो सर्दियों में ही मंगाइए, बेस्ट है। क्योंकि मैंने पहले ज़्यादातर गर्मियों में ही मंगाया है मैंने सकुलेंट। प्लांट ऑर्बिट से मैंने अनबॉक्सिंग की वीडियो डाल रखी है, ज़्यादातर मैं प्लांट ऑर्बिट से मंगाती हूँ। ये मैंने पहली बार इनसे परचेज किए हैं सकुलेंट। ये देखिए, ये इनकी पैकिंग है। काफ़ी दूर है तो थोड़ा टाइम लगा है, इसीलिए मैंने सर्दियों में ऑर्डर किए हैं। प्लांट तो हेल्दी हैं, काफ़ी सारे मैंने सकुलेंट मंगाए हैं। ये देखिए, इनके नाम मैं वीडियो में मेंशन कर दूंगी, जिनके नाम पता हैं उनको मैं बोलती जाऊंगी। ये स्टिंग ऑफ हार्ट है, ये वेरीगेटेड वैरायटी है, ये बल्ब की जैसी होती है। देखिए बल्ब है, रूट के काफ़ी हेल्दी प्लांट है। ये मेरे पास वेरीगेटेड वैरायटी नहीं है, सिंपल वैरायटी है मेरे पास। मुझे इसकी हैंगिंग बास्केट बनानी है तो इसलिए मैंने मिक्स मंगाया, दोनों एक साथ लगाऊंगी। ये वेरीगेटेड जेड की वैरायटी है, क्रेसुला। बाकी अगर मैं नाम गलत भी बता रही होंगी तो आपको मैं मेंशन कर दूंगी वीडियो में। ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल है, ये देखिए, ये भी है मेरे पास, लेकिन मंगाई है मैंने कि जिससे मैं हैंगिंग बास्केट भर सकूं। इनके यहाँ प्लांट के रेट बहुत रीज़नेबल थे, इसलिए मैंने इतने सारे प्लांट मंगाए हैं। ये जल्दी जल्दी खोलती हूँ। इसको गोलम बोलते हैं। ये मेरे पास बहुत बड़ा है गोलम, ये छोटा सा ही है, पर मैंने मंगाया था। ये भी बहुत प्यारा लगता है मुझे। प्लांट काफ़ी अच्छे हैं, ये
लक्ष्मी कमल है, मुझे इसकी सेम वैरायटी लग रही है। वाओ, ये तो बहुत सुंदर भेजा है मैंने। ये देखिए, काफी अच्छा हेल्दी प्लांट भेजा है और काफी क्वांटिटी में भेजा है कि आप अपनी हैंगिंग बास्केट फिल कर सकते हो। बहुत सुंदर। ये देखिए, ये चाइनीज मनी प्लांट बोलते हैं। ये मून स्टोन है। सकुलेंट की काफ़ी वैरायटी को केयर करते करते मुझे भी नाम कुछ बहुत याद हो गए हैं। बहुत ज़्यादा नई वैरायटी का नाम पता है, लेकिन काफ़ी सारी वैरायटी का, ये भी काफ़ी हार्डी वैरायटी होती है मून स्टोन। अगर सकुलेंट लगाना चाहते हैं तो आप इस मून स्टोन को ज़रूर लगाइए। ये पिंक मून स्टोन है और इसका सिंपल ग्रीन मून स्टोन भी आता है, मेरे पास लगा हुआ है। ये देखिए, पिछले साल का है, काफ़ी पुराना हो गया है, लीफ निकल गई है, लेकिन इस समय से फिर से ग्रो कर रहा है। थोड़ा यहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है तो गर्मियों में ये काफ़ी वो हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। ये है पिंक मून स्टोन। बहुत प्यारा, ये भी बहुत सुंदर है, ये भी मुझे बहुत सुंदर लगता है। इसका वास्तु में भी कहते हैं घर पे लगाना अच्छा होता है, जैसे लक्ष्मी कमल को लगाते हैं, क्रेसुला का प्लांट लगाते हैं जिसको हम, और इसको भी लगाना चाहिए। इसका नाम मेंशन कर दूँ, इसका नाम मुझे अभी नहीं याद आ रहा है। पैकिंग बहुत अच्छी है और प्लांट भी उन्होंने बहुत हेल्दी भेजे। ये देखिए, काफ़ी क्वांटिटी में भेजे। ये तो लग रहा है सेम ही लग रहे हैं ना है? वाओ, ये भी बहुत सुंदर है, मजा आ गया देख के। ये देखिए, ये वाले सकुलेंट बहुत सुंदर लगता है मुझे, पर इसमें बस आपको ये ध्यान रखना होता है, पानी हमेशा आप नीचे से दीजिए, इसके ऊपर से नहीं देना होता, इसलिए ये प्लांट्स खराब हो जाते हैं हमारे। इनकी बहुत केयर से रखना होता है। ये मैंने वो पिंक मून स्टोन था, ये मैंने ग्रीन मून स्टोन मंगाया है। ये देखिए, सबके नाम में मेंशन कर दूंगी। ये है लक्ष्मी कमल। बहुत सुंदर है। ये
ये है बोरो ट्री। बहुत हेल्दी प्लांट है, मन खुश हो गया। मैं इनका लिंक और डिटेल पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जिससे आप भी प्लांट इनसे व्हाट्सएप में मंगा सकते हैं। आपको दे देंगे कैटलॉग, उससे आप अपने चॉइस कर लीजिए। उसमें प्राइस डिटेल भी है, तो आप सेलेक्ट करके, कार्ट करके और आप ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत आसान है मंगाना। चॉकलेट सीडम, ये है चॉकलेट सीडम। ये भी बहुत सुंदर है, सबके नाम मैं मेंशन कर दूंगी। ये भी बहुत सुंदर है। कुछ मैंने कलरफुल भी सकुलेंट मंगाए हैं। मैं खोलते खोलते थक गई बहुत सारे सकुलेंट हैं। जब पसंद करते हैं तो उसमें देखते हैं कैटलॉग में, तो ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, यही होता है। ये देखिए पैकिंग बहुत सुंदर है, कुछ भी डैमेज नहीं हुआ है। ये क्रिसमस कैक्टस है, इसका तो पता है मुझे, मैं काफ़ी दिन से रही थी। ये देखिए, ये मुझे बहुत पसंद है, हैंगिंग बास्केट में बहुत प्यारा लगता है। बस तीन प्लांट और बचे हैं। ये ब्रह्म कमल है, ये भी वास्तु के हिसाब से लोग लगाते हैं अपने घर पे। बहुत सुंदर इसमें फूल आता है, तो ये भी मैंने मंगाया है। स्ट्रिंग ऑफ बनाना, इसकी वैरायटी कुछ अलग लग रही है मुझे। पे बनाना में लाइनिंग लाइनिंग आ रही है, मेरे पास जो है वो एकदम प्लेन है। ये लास्ट सकुलेंट, बहुत सुंदर है। इतना सारा पेपर इसमें भी है, पूरा ख़त्म हो गया, पूरा हो गया, अनबॉक्स हो गया। ये रहे मेरे सारे सकुलेंट। अब इससे मैं ट्रे गार्डन बनाने वाली हूँ, ट्रे गार्डन बनाऊँगी। अगर आपको ट्रे सकुलेंट का ट्रे गार्डन बनाना है तो आप इसी सीज़न में बनाइए, काफ़ी अच्छा मौसम है सर्दियों का, सकुलेंट आपके काफ़ी टिके रहेंगे और आने में भी ख़राब नहीं होंगे। तो कैसी लगी मेरी अनबॉक्सिंग, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।